अब ये वाला फोन मैंने फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज के दौरान सिर्फ 22,000 में खरीदा है। अब इस फोन का नाम है Redmi Note 12 Pro। नॉर्मली ये फोन 25-26 हजार का रहता है, लेकिन अभी सेल की वजह से 22,000 में ही मिल रहा है। और काफी सारे इसके कॉम्पिटिटर फोन जैसे Realme 10 Pro Plus और Realme GT Neo 3 वो तो भाई 20,000 में मिल रहा है। तो किस तरह से ये वाला फोन उन सबसे बेटर है वो बताता हूँ। अभी अगर बॉक्स खोले तो उसके अंदर आपको सबसे पहले फोन देखने मिलेगा, उसके बाद एक 67 वॉट्स का चार्जर, USB A2C केबल और एक कवर। अब इसे हाथ में लेते ही आपको एक चीज सबसे पहले फील होगी, ये बहुत ज्यादा शार्प है, मतलब काट देगा। अब ये इसके बॉक्सी डिजाइन की वजह से होती है, जो कि थोड़ा सा शार्प ऑब्वियसली फील होगा, जो कि इनके कॉम्पिटिटर Realme 10 Pro Plus में नहीं है। बहुत स्मूथ, वो तो फोन ही पूरा कर रहे हाय हाय। अब इसका बैक पैनल जो है वो पूरा ग्लास से बना हुआ है, इसमें आपको थोड़े मोड़े फिंगरप्रिंट्स देखने मिलेंगे, एक्चुअली थोड़े मोड़े नहीं, थोड़े ज्यादा मिरर टाइप लगता है। लेकिन उसका सॉल्यूशन है कवर, जैसे ही लगा लोगे तो फिर फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम सॉल्व और ये शार्पी एजेस वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम हर फोन में होती है, लेकिन दी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस फोन इज दिस क्यूट लिटिल होल। अब इस प्राइस ब्रैकेट में आपको 3.5mm जैक मिल रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। साथ ही साथ ऊपर की तरफ आपको एक IR ब्लास्ट और एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिखता है। खैर इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर की एक चीज मैं आपको बता दूं, ये उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, देख सकते हो यहाँ पे, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है। जब आप कॉल वगैरह लोगे तो थोड़ा मतलब फोन भूख भाग करेगा। बाकी सिम वगैरह, डुअल सिम, नो SD कार्ड, स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर बाय फार द बेस्ट आई हैव एवर हर्ड, मतलब स्पीकर बहुत बवाल। और इस चीज में एक बहुत बड़ा एड ऑन ये डॉल्बी एटमॉस वाला फीचर भी देता है, आराम से एक स्लाइड से आप लोग मतलब इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे फोन्स में होता है डॉल्बी एटमॉस, लेकिन वो सेटिंग्स में जाके करना पड़ता है, यहाँ ऑन टाइम हो जाता है, जो सही है। बाकी मूवीज वगैरह देखते हो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इस फोन को ओपन करते ही आप एक चीज नोटिस करोगे, नहीं ब्लोटवेयर तो है ही, उन पे आते हैं, लेकिन पहले एनिमेशंस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भाई। देखो बात ये है कि जो MIUI है, जो कि Redmi और Poco इन सब फोन्स में होता है, इनमें थोड़ा ओवर एनिमेशन यूज होता है, जो कि स्मूथ बहुत फील होता है भाई, झूठ नहीं बोलने वाला, बहुत मस्त लगता है, बहुत स्मूथ फील होता है। लेकिन इसका एक डाउन साइड है, क्या होता है ना, जब आपका फोन थोड़ा पुराना हो जाता है तो हर फोन की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होती है, और उस टाइम पे यही जो ओवर एनिमेशन है थोड़ा सा लैग और हैंग वगैरह फील कराता है। तो खैर ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया तो बस बता दिया, जस्ट एन MIUI थिंग। ओके अब ब्लोटवेयर्स के ऊपर आते हैं। जो ब्लोटवेयर्स का हाल है Redmi Note 12 Pro में, वो भी खराब है, मतलब इसका कॉम्पिटिटर Realme 10 Pro Plus उसमें भी ब्लोटवेयर्स काफी है, इसमें भी काफी ज्यादा, और इनको आप अगर चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दिन ड्रीम इलेवन से करोड़पति बनना है उसके बाद। ओके तो आप टाइटल थंबनेल में लिखा दी बेस्ट, लेकिन अभी तक आपको सुन के लग रहा है कि भाई ये फोन बकवास है भाई, तो जो असली माल जो मैंने अभी के लिए बचा के रखा है। अभी देखो वीडियो आगे बढ़ेगी, लेकिन पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो, देखो मेहनत लगती है, पसंद आता है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो। हमने अंत तो स्कोर रन किया, आप देख सकते हो तो जो स्कोर आता है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और ये जो Dimensity 1080 का प्रोसेसर आपको इस वाले फोन में मिलता है, ये इसी टाइप की परफॉर्मेंस देता है। बाकी इसका कॉम्पिटिटर्स का क्या हाल चल रहा है, तो Realme अगर 10 Pro Plus की बात करें तो उसमें आपको सेम प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, लेकिन जो Realme GT Neo 3T है जो कि 20,000 में मिल रहा है, उसमें Snapdragon 870 देखने मिलता है, जो कि honestly भाई इन सब से बहुत बढ़िया है। और अगर आप एक गेमिंग फोन चाहते हो तो बस मांग करो Realme GT Neo 3 is best for you। देखो वीडियो काट के नहीं जाना, अभी और भी चीजें मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बताता हूँ कैमरा का क्या हाल चल रहा है, जिसके बारे में आपको सोच रहे हो कि बस बता नहीं रहा, बता रहा। कैमरा की बात करें तो भाई बहुत मस्त स्पेसिफिकेशन देखने मिलते हैं। सोनी IMX766 50 megapixel वाला सेंसर, वही एक साल पुराना Realme 9 Pro Plus with OIS, obviously बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आप लोग क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो स्क्रीन टोन्स वगैरह काफी मस्त आते हैं। नाइट के अंदर तो भाई बहुत बवाल फोटोज, इसके अंदर जो OIS है काफी ज्यादा हेल्प करता है नाइट में हाथ को स्टेबल रखने में, और एक अच्छी फोटो आती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई मेरे लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कौन सा लूँ, Realme 10 Pro Plus या Redmi Note 12 Pro या फिर ये Realme GT Neo 3? तो देखो Realme GT Neo 3 एक गेमिंग फोन है, उसमें कैमरा नहीं खोजना, लेकिन इन दोनों फोन्स में अगर आपको कोई चूज करना हो तो मैं कहूंगा कि आप Redmi Note 12 Pro के साथ जा सकते हो, क्योंकि ऑन पेपर चीजें काफी बेटर है। हाँ अगर आपको एक कंपैरिजन ना तो मैं नीचे कमेंट्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना, लेकिन एक चीज जरूर है कि इसका कैमरा डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। ओके तो अब एक डिसअपॉइंटमेंट की भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअली दो डिसअपॉइंटमेंट है, पहली वाली तो देखो डिस्प्ले के लिए, आपको अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो इस प्राइस रेंज का जो किंग डिस्प्ले है वो Realme 10 Pro Plus के अंदर है, लेकिन ये वाले भाई साहब सेम टू सेम सारे फीचर्स लेके आते हैं, और आप यहां देख सकते हो कलर्स में कितना डिफरेंस आपको देखने मिलता है। Realme 10 Pro Plus के कलर्स काफी ज्यादा बेटर है। अब इसमें आपको एक डॉल्बी विजन एक्स्ट्रा देखने मिलता है, जो कि क्वालिटी में कुछ भी एनहांसमेंट नहीं दे रहा। मैंने देखा जो ओवरऑल बेटर HDR है वो 10 Pro Plus में काफी ज्यादा है, और साथ साथ आप कर्व डिस्प्ले जोड़ लो तो डिस्प्ले बहुत बढ़िया है उसका, लेकिन इसका उतना खराब भी नहीं, लेकिन काम चल जाएगा। अब दूसरा डिसअपॉइंटमेंट मुझे एंड्रॉइड वर्जन के लिए, देखो ये वाले फोन में भी एंड्रॉइड 12 आता है, लेकिन इसका कॉम्पिटिटर Realme 10 Pro Plus वो एंड्रॉइड 13 के साथ बॉक्स में ही आया था, और अभी क्या चल रहा है ना उसमें एंड्रॉइड 14 की तैयारी हो रही है, और इन भाई साहब को आए हुए 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी एंड्रॉइड 13 का आता पता नहीं है। बाकी बैटरी ऐसी चीज है इसमें कोई भी डिसअपॉइंट नहीं करता, सब में 5000mAh की बैटरी है। चार्जिंग की बात करूं तो Realme GT Neo 3T में चार्जिंग सबसे तेज है 80W की, अब Realme 10 Pro Plus
इसमें भी 80 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन सपोर्टेड चार्जिंग वो 67 वॉट्स की है, जस्ट लाइक दिस वन, इसमें भी 67 वॉट की चार्जिंग मिलेगी। तो मैं आपको जल्दी से कंक्लूजन बताता हूँ। देखो, अगर फोन लेना है तो सेल के टाइम लेना सबसे बेस्ट डिसीजन होती है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, आपका जब मन करे आप ले सकते हो, आपको जो फोन मन करे आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल एक ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर गेम्स वगैरह ज्यादा खेलते हो, फोटोज उतने नहीं क्लिक करते, तो Realme GT Neo 3T के पास जाओ, 20,000 में मिल रहा है, दोनों से थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन आप गेम्स वगैरह नहीं खेलते, फोटोज वगैरह काफी ज्यादा लेते हो, तो आपको Redmi Note 12 Pro के साथ जाना चाहिए, 22,000 में मिल जाएगा। और अगर आप एक मिक्सड यूजर हो, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, मतलब गेमिंग भी कर लेते हो, आपको मतलब फोन ऐसे भी यूज करना है, कैमरा भी ठीक ठाक चाहिए, उससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो एक मिक्सड वाले यूजर के लिए जो सबसे बेस्ट चॉइस होगी वो Realme 10 Pro Plus होगी। लेकिन वही है, मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी प्रायोरिटी कहीं और है तो आप उस फोन को चूज कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से आप सब कुछ समझ चुके हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। बाकी अपना वही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।